बात हो गई है ना। बट यार फिर क्वेश्चन आता है कि यार पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो यार मेल्स में भी होगा, तो बट मेल्स के पास तो ना ब्रेस्ट होते हैं ना यूट्रस होता है, तो फिर ऑक्सीटोसिन मेल्स में प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, है ना? क्या क्या लगता है, होगा कि नहीं होगा? है ना, होता है मेल्स में प्रोड्यूस, है ना। ऑक्सीटोसिन का एक वर्क और होता है, ऑक्सीटोसिन को हम कडल हार्मोन भी कह सकते हैं, या तो एक तरीके से बॉन्डिंग हार्मोन भी कह सकते हैं, या फिर सबसे सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो उसे हम लव हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, मान लीजिए दो ह्यूमन बीइंग्स हैं, है ना। अगर सपोज दो ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे को अगर मान लो टच कर रहे हैं, या तो हग कर रहे हैं, या तो कडल कर रहे हैं, तो फिर जनरली क्या होता है, जो ऑक्सीटोसिन का जो लेवल होता है वो एकदम से बढ़ता है ना। देन वो एकदम से बढ़ेगा, देन वो हमारे सीएनएस में जाके हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, एक इमोशनल बॉन्डिंग पैदा होती है ना। इसलिए हम ऑक्सीटोसिन को एक बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं, है ना, जिसके कारण ह्यूमन बीइंग्स के में एक इमोशनल बॉन्डिंग बनती है, ठीक है ना। वो बॉन्डिंग आपकी किसी से भी हो सकती है, आपके पेरेंट्स से, आपके लवर से, या जो भी हो, ठीक है ना। इसलिए हाँ, बट एक चीज और होती है कि जो हमारी फीमेल्स होती हैं उनमें ऑक्सीटोसिन का लेवल कुछ ज्यादा ही होता है ना, इन कंपेरिजन टू मेल्स, है ना। मेल्स में ऑक्सीटोसिन का लेवल थोड़ा सा कम होगा, है ना, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, मेल जो है वो थोड़ा इजीली ड्रिफ्ट अवे हो जाता है ना। इसलिए फिर यार फीमेल समझ, जो वुमेन है वो समझ नहीं पाती कि यार हमारा बंदा लॉयल क्यों नहीं था यार, है ना। क्योंकि क्या करे यार, बनी वैसा है ना, है ना। कुछ कुछ केसेस में होता है, हर केसेस में नहीं होता है, ठीक है ना। जनरली फीमेल में ऑक्सीटोसिन ज्यादा होता है, मेल में कम होता है, ठीक है ना। अब जैसे ये हो गया, ठीक है, थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक गर्ल और एक बॉय है, ठीक है, उनके रिलेशनशिप की स्टार्टिंग हुए, ठीक है, शुरू शुरू के गुड ट्रू लव वाले डेज हैं, ठीक है, फोटो देख के शर्मा रहे हैं, है ना। अगर मान लो मम्मी ने यार बोला उसको, लड़के को, कि यार धनिया लेके आओ, है ना। तो मान लो यार धनिया लेने जाना है वहां, है ना, लेकिन यार मन में तो एक वो उत्तेजना तो रहती है यार, कि नहीं यार एक बार वहां जाके देख लेते, उनके दीदार हो जाएंगे, तो यार दिन अच्छा चले आएगा यार हमारा, है ना। तो यार वहां भटक रहे हैं, है ना, गाड़ी लेके इधर उधर घूम के आए हैं, है ना। हाँ, देख गए तो खुश हो गए, नहीं देखे तो ठीक ही है। फिर तो क्या होता है, जो स्टार्टिंग के रिलेशनशिप के जो डेज होते हैं उनमें जो तीन हार्मोन हमारे रिलीज होते हैं, उस टाइम में ऑक्सीटोसिन नहीं होता है, उस टाइम में तीन हार्मोन होंगे, उनका नाम आपको याद नहीं करना है, बस मैं बता रहा हूँ ऐसे जनरली सुन लो, है ना। एक सेरोटोनिन, डोपामाइन एंड नॉरेपिनेफ्रिन, ठीक है। इन तीन हार्मोन के कारण ही एक वो ट्रू लव वाला वो बहुत ज्यादा वो रहता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, ठीक है। जो ऑक्सीटोसिन होता है वो तो एक बॉन्डिंग हार्मोन टाइप का रहता है, बॉन्डिंग के लिए रहता है, ठीक है, ठीक है। क्या हो, रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है ना, देन मान लो यार शादी शादी हो गई, है ना, शादी हो गई, बच्चे हो गए, है ना। तो क्या होता है, जनरली जो हमारे सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन है, वो ऐसा नहीं होता यार कि वो हमेशा ही बढ़े रहे, है ना। क्योंकि क्या होता है, ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये जब इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, अपन अपना पूरा जो डे टू डे डेली लाइफ का जो वर्क है, अपनी जो पढ़ाई वगैरह है, उसको छोड़ के सिर्फ अपने रिलेशनशिप में फोकस करने लगते हैं, है ना। और अगर यार आप ऐसा करोगे तो आप तो फ्यू टोटली डिस्ट्रॉयड हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए नेचर ने ऐसा बनाया है कि जो ये तीन हॉर्मोन्स है इनका बढ़ने का ड्यूरेशन मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ से लेके 2 ईयर्स तक होता है, डिपेंडिंग ऑन द कपल, ठीक है। देन उसके बाद शादी हो गई, बच्चे हो गए, देन उसके बाद जो हमारा ऑक्सीटोसिन है, बॉन्डिंग हार्मोन, वो वर्किंग में आता है, ठीक है। देन वो एक बॉन्डिंग बना के रखा रहता है ना। वो सेरोटोनिन, डोपामाइन, वो तो यार कम हो गए, है ना। लेकिन फिर यार फिर वेमेन सोच में पड़ जाती है कि यार वो गुड ओल्ड ट्रू लव वाले डेज कहाँ गए यार, है ना। पहले तो यार मुझे फ्लावर्स मिलते थे, है
है ना, गिफ्ट्स मिलते थे, अब नहीं मिल रहा यार, है ना। अब तो यार धनिया मिर्ची ये सब मिल रहा है ना। तो इस इन हॉर्मोन्स के कारण होता है। बट जनरली कुछ कुछ जो 10% कपल्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये जो सेरोटोनिन डोपामाइन एंड नॉरएपिनेफ्रिन है वो कुछ कुछ समय में फिर से बढ़ते और कम होते रहते हैं। तो वो बार बार उनके बीच में वो ट्रू लव वाले डेज आते रहते हैं, ठीक है ना। तो एक ये चीज क्लियर हो गई कि ऑक्सीटोसिन एक बॉन्डिंग हार्मोन की तरह काम करता है, और जो ट्रू गुड लव डेज वाले होते हैं वो हमारे सेरोटोनिन डोपामाइन एंड नॉरएपिनेफ्रिन होते हैं, ठीक है। ये हो गया। देन इसके बाद हम एडीएस देखते हैं।